नमस्कार दोस्तों, मैं अपने YouTube चैनल पीएलसी ब्लॉगर में आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम ये सीखेंगे कि पल्स पर एमएम का कैलकुलेशन कैसे करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है। इसके प्रीवियस लेक्चर में मैंने ये बताया था कि सर्वो मोटर, गियरबॉक्स और बॉल स्क्रू के बीच में क्या रिलेशन होता है। अगर आप प्रीवियस लेक्चर को नहीं देखे तो उसको देख लीजिए, उसका लिंक इस वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और ये जो हमारी सीरीज है सर्वो मोटर पीएलसी प्रोग्रामिंग का सीरीज है, इसका भी लिंक इस वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप देख के मीन उस लिंक को विजिट करके पूरे आप सीरीज को देख सकते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट ये लेक्चर होने वाला है जिसमें हम पल्स पर एमएम का कैलकुलेशन करना सीखेंगे। दोस्तों जैसे क्या होता है कि जब भी हम इंडस्ट्री में हम जो सर्वो मोटर को यूज करते हैं वो डायरेक्ट सर्वो मोटर यूज नहीं करते, उसके साथ हमारा गियरबॉक्स भी लगा रहता है और कई बार बॉल स्क्रू लगा रहता है। तो ठीक है, तो बॉल स्क्रू लगाने का मतलब यह है लीनियर मूवमेंट। सर्वो को दो तरीके से हम मीन्स यूज कर सकते हैं इसका रोटेशन, एक सर्कुलर मूवमेंट करा सकते हैं, एक लीनियर मूवमेंट करा सकते हैं। अगर जहां पे मुझे एमएम में चाहिए कि मैं चाहता हूं कि मेरा ऑब्जेक्ट यहां से 10 mm आगे जाए, 20 mm, 50 mm, 100 mm आगे जाए, तो ये लीनियर मूवमेंट हो गया। लीनियर मूवमेंट मीन्स एमएम बेस हो गया। अगर यूजर ये बोलता है कि मीन्स सर्कुलर मूवमेंट उसे चाहिए, जैसे कि 1 डिग्री, 2 डिग्री, यूजर चाहता है कि 10 डिग्री, 15 डिग्री का रोटेशन हो या 90 डिग्री का रोटेशन हो, तो उस केस में सर्कुलर मूवमेंट का कैलकुलेशन हम करते हैं। कि उस समय एंगल कैसे कैलकुलेट करेंगे? अभी हम लीनियर मूवमेंट मीन्स पल्स पर एमएम की बात हो गई कि मैं हम पल्स पर एमएम कैलकुलेट करेंगे। पल्स पर एमएम इसका मतलब हमारा लीनियर मूवमेंट है। ठीक है, अब लीनियर मूवमेंट से हम ये कैलकुलेट करेंगे कि कितना पल्स दें तो हमारा सर्वो कितना आगे जाएगा फॉरवर्ड। सपोज यूजर बोल दिया कि मुझे 25 एमएम का ट्रेवल कराना है। ठीक है, तो हम 25 एमएम ट्रेवल करने के लिए हमको सर्वो को कितना पल्स देना पड़ेगा, ये हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। अगर यूजर बोल दिया कि 50 mm ट्रेवल कराना है, 100 mm ट्रेवल कराना है, 0.5 mm ट्रेवल कराना है, यूजर के ऊपर डिपेंड करता है ये पहलू कि वो यूजर कितना एमएम ट्रेवल कराना चाहता है। तो मैं ये चाहता हूं कि पल्स पर एमएम का कैलकुलेशन करें कैसे करें। अगर सपोज 50 mm ही ट्रेवल कराना है तो 50 mm के लिए हमको कितना पल्स देना पड़ेगा। अब इसके लिए हम DDRVI इंस्ट्रक्शन यूज कर लेते हैं जिसमें हमको पल्स डायरेक्शन मीन्स फ्रीक्वेंसी और पोजिशन पल्स भी देना पड़ता है कि कितना पल्स दे कि हमारा सर्वो 25 mm या 50 mm ट्रेवल करे। तो इसका कैलकुलेशन हम इस वीडियो में सीखेंगे। दोस्तों लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, कृपया इसको ध्यान से देखिएगा। सपोज देखिए सर्वो मोटर कई बार वाल स्क्रू लगा रहता है और कई बार गियरबॉक्स लगा रहता है या नहीं लगा रहता है, दोनों तरीके से। अगर आपका देखो सर्वो मोटर अगर वाल स्क्रू लगा है तो कैसे पल्स पर एमएम का कैलकुलेशन करोगे। सपोज एक आपके पास सर्वो मोटर है, ये आपका पास सर्वो मोटर है, सर्वो मोटर। अब सर्वो मोटर एक चक्र कंप्लीट करने के लिए कुछ पल्स इसको चाहिए। भाई सर्वो है, अगर एक चक्र इसको कंप्लीट करना है तो कुछ ना कुछ पल्स लेगा। मान के चलते हैं कि 1000 पल्स पर रेगुलेशन, पल्स पर रेगुलेशन लेता है। ठीक है, 1000 पल्स मैं एज्यूम कर लिया, ये पल 1000 पल्स लेने पे ही एक रेगुलेशन पूरा एक चक्र कंप्लीट किया या नहीं किया ये आपको आगे पता चलेगा। सीरीज में बने रहिए, आपको आगे पता चलेगा। मैं बताऊंगा कि कहां पे आप इसको पता कर सकते हैं किस डेटा में। अब देखो अभी हम ये समझ रहे थे कि सपोज मान लिया कि 1000 पल्स देने पे सर्वो हमारा एक चक्कर कनेक्ट चलता है। अब इसी सर्वो के शाफ्ट से मैं एक वाल स्क्रू कनेक्ट कर देता हूं, वाल स्क्रू सर्वो के शाफ्ट पे एक वाल स्क्रू लगा देता हूं। अब वाल स्क्रू का जो हमारा पिच रेशियो है मान लेते हैं कि 10 है। ठीक है, मींस एक थ्रेड से दूसरे थ्रेड के बीच का जो गैप है ये 10 एमएम का गैप है। प्रीवियस लेक्चर देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा ये हमारा वाल स्क्रू, वाल स्क्रू का जो पिच रेशियो है वो 10 एमएम का है। तो अब सपोज देखो अगर सर्वो हमारा एक चक्कर कंप्लीट करने में 1000 पल्स लेता है तो एक चक्र कंप्लीट करेगा, जैसे ही एक चक्र कंप्लीट करेगा तो वाल स्क्रू इसी के शाफ्ट से अटैच है तो वाल स्क्रू भी एक चक्कर रोटेट हो जाएगा। अगर वाल स्क्रू एक चक्कर रोटेट हो गया तो यानी ये 10 एमएम ट्रेवल कर चुका होगा। मींस यहां पे जो हमने ऑब्जेक्ट रखा है ये ऑब्जेक्ट यहां से चल के यहां पे आ गया होगा। ठीक है, 10 एमएम ट्रेवल कर दिया होगा। तो ये इसीलिए हम वाल स्क्रू लगाते हैं ताकि वो ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरे जगह एमएम स्लाइड करा पाए। तो अब देखो 1000 पल्स देने पे ये वाल स्क्रू का कितना रोटेशन हुआ, एक रोटेशन हुआ, एक रोटेशन मींस ये 10 एमएम ट्रेवल कर चुका क्योंकि इसका पिच रेशियो 10 का है, तो 10 एमएम ट्रेवल कर लिया। अब 10 एमएम अगर 1 एमएम का मुझे चाहिए, मींस सबसे पहले जो भी सर्वो का कैलकुलेशन 1 एमएम पे आप पल्स का कैलकुलेट कीजिए। अब देखो 10 एमएम ट्रेवल किया, 1000 पल्स देने पर 10 एमएम ट्रेवल किया, एक जीरो से एक जीरो काट दिए। अगर 100 पल्स हो गया
100 पल्स का मतलब क्या हुआ, 1 mm। अगर मुझे सर्वो को 1 mm ट्रेवल कराना है तो मुझे इसकी पल्स की फ्रीक्वेंसी कितनी, सॉरी पल्स कितना देना पड़ेगा, 100 पल्स देना पड़ेगा। अगर सपोज यहाँ पे DRVA इंस्ट्रक्शन यूज करते हैं, DRVA, ठीक है, और यहां पे मैं पोजीशन होता है, पोजीशन यहां पे फ्रीक्वेंसी होता है, और यहां पे हमारा पल्स होता है, और यहां पे डायरेक्शन होता है। ये आउटपुट पॉइंट है, मींस यहां पे जो आप वैल्यू दोगे ना, यहां पे अगर मैं K की वैल्यू अगर यहां पे 100 रख दिया, 100, और यहां पे जो फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी कुछ भी रख सकते हो, फ्रीक्वेंसी आप कुछ भी रख सकते हो। इसके मींस लेक्चर नंबर 2 या 3 में देखेंगे फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब है। मैंने सपोज फ्रीक्वेंसी रख दिया 5000, ठीक है, और Y0 और Y1, ये हमारा सर्वो का एक मींस इंस्ट्रक्शन बन गया। तो अब देखो अगर मैंने पोजीशन मींस यहां पे जो फर्स्ट पोजीशन पे इस पॉइंट पे मैंने K की वैल्यू 100 रख दिया, इसका मतलब ये 1 mm ट्रेवल करेगा। अगर यूजर बोल दिया कि 25 mm ट्रेवल कराना है, कि हम यूजर चाहता है कि 25 mm ट्रेवल कराओ, मीन्स 25 mm ट्रेवल कराना है, तब देखो 25 mm में हम 1 mm को ट्रेवल करने के लिए 100 पल्स चाहिए, तो 25 mm ट्रेवल करने के लिए कितना पल्स चाहिए, 25 mm में 100 का मीन्स मल्टीप्लाई करेंगे 100 पल्स का। क्योंकि देखो अब ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो कि 100 पल्स 1 mm को, 1 mm ट्रेवल करने के लिए 100 पल्स की रिक्वायर्ड होती है, तो 25 mm ट्रेवल कराना है तो कितना पल्स की आवश्यकता पड़ेगी, तो 25 mm, ठीक है, कितना पल्स की रिक्वायर्ड पड़ेगी, तो 25 mm में अब मल्टीप्लाई कर दो 100 का, क्योंकि 100, 1 mm इक्वल टू 100 पल्स, मींस यहाँ पे कितना पता चल गया, 2500। 2500 अगर पल्स देंगे तो हमारा सर्वो कितना mm चलेगा, 25 mm। अब यहाँ पे K की वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं, 2500, ठीक है, 2500 अगर पुट कर देते हैं तो यानी पोजीशन कितना मिल गया, पोजीशन हमारा के पोजीशन की जो वैल्यू है ये 2500 दे दिया। अगर 2500 देने का मतलब ये हुआ कि जब भी ये हमारा सर्वो चलेगा ये हमारा 25 mm ट्रेवल कर सकता है। अब देखो ये भी, इससे भी थोड़ा सा और अभी मतलब वाल स्क्रू पे, ये जरूरी नहीं है कि ये, अच्छा एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ पे देखो अगर मैं इसका पिच रेशियो 7.5 mm बोल दिया तो क्या करोगे आप, अगर सर्वो को ट्रेवल कराने के लिए, अगर सर्वो सपोज सर्वो ट्रेवल करने के लिए एक रेगुलेशन को कंप्लीट करने के लिए कितना पल्स की रिक्वायर्ड पड़ती है, मान के चलता हूं 1000 पल्स की रिक्वायर्ड पड़ती है। अगर इसी के हिसाब से ये हमारा वाल स्क्रू कनेक्ट है तो कितना mm ट्रेवल कर जाएगा, 7.5 mm ट्रेवल कर जाएगा, ठीक है, 7.5 mm। तो इसका भी कैलकुलेशन आप कर सकते हो, अगर देखो 1000 पल्स इक्वल टू 7.5 mm ट्रेवल कराना है, तो 1 mm ट्रेवल कराने के लिए 7.5 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 1000 पल्स डिवाइड बाई 7.5 इक्वल टू 1 mm। अब आप यहां से कैलकुलेट करके पल्स बताओ, पल्स आप बताएंगे, इसका कैलकुलेशन करके मैं बताता हूं पल्स आपको, इसकी वैल्यू आई है 133.33। अब इसकी वैल्यू आ गई कितनी पल्स आ गया, 133.33 पल्स। अब यहां पे समझने वाली पॉइंट है आपको, अब देखिए क्या है, बोल रहा है कि 1 mm ट्रेवल करने के लिए 133.33 पल्स की जरूरत पड़ेगी आपको, ठीक है। अब यहां पे समझने वाली ये पॉइंट है कि 133.33 पल्स क्या है, देखिए पल्स हमेशा इंटीजर वैल्यू, इस लेक्चर में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि पल्स हमारा हमेशा इंटीजर पॉइंट होता है। अब मैं ये कहूं क्या, यहाँ पे के की वैल्यू, यहाँ पे अगर मैं बोल दू 1 mm ट्रेवल कराना, तो के की वैल्यू 133.33 पुट कर सकते हो क्या, ये गलत है, क्योंकि सर्वो जो ऑपरेट होता है वो एक इंटीजर पल्स पे ऑपरेट होता है, मीन्स 133 पे नहीं होगा, 133.33 पे नहीं होगा, या तो फिर आप इसको 133, आप एक के की वैल्यू 133 दे सकते हो, या फिर के की वैल्यू 134 दे सकते हो, और के की वैल्यू 134 दे सकते हो, ठीक है, इतना एक इंटीजर पल्स की जरूरत होती है। आप ये नहीं फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं दे सकते हैं, अगर फ्रैक्शनल वैल्यू देंगे तो एक्सेप्ट नहीं करेगा, प्रोग्राम में एरर आ जाएगा। तो ये आपको समझना बहुत जरूरी है कि हम जो पोजीशन होता है या फिर फ्रीक्वेंसी, देखिए ये पल्स ऑपरेटेड है, पल्स यानी हाई होगा या फिर लो होगा, बीच का नहीं हो सकता है। मैं कहूं कि एक पल्स दे दिया, क्या डेढ़ पल्स दे सकता हूं, आधा पल्स दे सकता हूं,
मैं बोला 10 10 मोलो 5 पल्स दे दो, ये तो गलत है, या तो 10 पल्स देंगे या फिर 11 पल्स देंगे, ठीक है। तो ये पल्स हमेशा इंटीजर फॉर्म में होगा। अब यहाँ पे क्या करोगे आप, अब यहाँ पे पल्स की वैल्यू निकल के आ गई 133.33 पल्स पर एमएम के लिए, तो इसको हमको कैलकुलेट करके इसको इंटीजर में बनाना पड़ेगा। अब हमको आपको एक इंस्ट्रक्शन यूज करना पड़ेगा कि मींस वो जो इंस्ट्रक्शन है कि फ्लोट टू इंटीजर या इंटीजर टू फ्लोट, हम जैसे, तो अभी मैं यहाँ पे क्या करूंगा, ये फ्लोट है, फ्लोट टू इंटीजर का मैं इंस्ट्रक्शन यूज करूंगा, जो मैं प्रोग्राम बताऊंगा उसमें मैं बताऊंगा अभी के लिए। अब देखो मैंने क्या किया कि 1 mm ट्रेवल करने में कितना पल्स लगा, 1 mm ट्रेवल कराने के लिए कितना पल्स लगा, 133.33 mm पल्स की जरूरत पड़ा। अब ये मेन हमारा कैलकुलेशन बन गया। किसी भी पल्स पर एमएम कैलकुलेशन करने के लिए सबसे ध्यान देने वाली बात है कि 1 mm में कितना पल्स लगा, इसका कैलकुलेशन करेंगे आप। आप इसको यहीं पे इंटीजर में नहीं कन्वर्ट कर देंगे, ये फ्लोट है, अभी आप इसको यहां पर इंटीजर में नहीं कन्वर्ट करेंगे। अगर यूजर बोल दिया, यूजर बोल दिया कि मुझे 55.5 mm ट्रेवल कराना है, तो क्या बोलोगे कि 1 mm ट्रेवल करने में इतना पल्स लगा, तो 55.5 mm ट्रेवल कराना है, तो क्या करेंगे, 55.5 mm में हम एक, अब देखो यहां पर ऐसे भी आप समझ सकते हो, यहां पर इसको मैं मिटाता हूं, ऐसे बताता हूं। अब 1 mm पल्स इक्वल टू इतना, अब 55.5 mm, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं क्या, 55.5 मल्टीप्लाई बाई 1 mm इक्वल टू पल्स, आपको समझने के लिए यहां पे ऐसे लिख देता हूं, ये काफी आसान हो जाएगा। अब 155.5 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या वैल्यू तो सेम ही रहेगी ना, किसी भी नंबर में 1 का मल्टीप्लाई करो तो सेम ही रहता है। अब देखो मैं समझाने के लिए 55.5 और 1 mm इक्वल टू कितना पल्स है, 1 mm इक्वल टू 133.33 पल्स है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई 133.33 इक्वल टू ये पल्स, टोटल पल्स निकल जाएगा यहाँ पे। अगर जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करके मैं पल्स भी बता देता हूं, तो ये इसकी वैल्यू जो आ रही है, इसका कैलकुलेशन करने पे इसकी वैल्यू आ रही है 7399.99 पल्स, ये इतनी वैल्यू आ रही है। कितनी वैल्यू आ रही है पल्स, अगर यूजर बोल दिया कि 55.5 mm ट्रेवल कराना है, तो 55.5 mm ट्रेवल कराने के लिए टोटल पल्स की कितनी आवश्यकता पड़ गई, के की वैल्यू निकल का गई 7399.99 पल्स। अब इसको हमको फ्लोट से इंटीजर में कन्वर्ट करना होता है, न कि आप इसको करेंगे, ये आगे मैं प्रोग्राम में बताऊंगा, अभी पल्स पर एमएम का कैलकुलेशन मैं सिर्फ बता रहा हूं। अब ये वैल्यू इतनी आ गई, अगर 55.5 mm बोला यूजर ट्रेवल कराने के लिए, तो हमको पल्स की वैल्यू इतनी आ गई, ठीक है। अब ये फ्लोट वैल्यू है, इसको इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, या फिर आप इसको 7400 कर सकते हैं, या फिर 7399 कर सकते हैं, ये दशमलव वाली वैल्यू यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो के की वैल्यू आप चाहे 7400 रख दो या फिर 7399 रख दो। तो ये हमारा पल्स पर एमएम का कैलकुलेशन था। इससे रिलेटेड आपको इस वीडियो लेक्चर में आपको मिल जाएगा क्वेश्चन पीडीएफ, जिसमें मैंने बहुत सारे क्वेश्चन बताया दिया है, उस क्वेश्चन को डाउनलोड करके पल्स पर एमएम का कैसे कैलकुलेशन करोगे और डिग्री पर एमएम का कैसे कैलकुलेशन करेंगे मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बताऊंगा। अगर मेरे वीडियो पसंद आ रहे हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट में भी बताइए कि मेरा मतलब पढ़ाने का से आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर वीडियो से रिलेटेड किसी तरह का सुझाव या शिकायत हो तो हमें जरूर बताएं, उसको सुधार करके। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, प्लीज चैनल को लाइक जरूर, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।